जिसमें आप, मैंने एग्जांपल्स दिए थे कल, बेसिकली हम यहाँ पे लड़कियों को इस चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं कि अगर वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो सोशल मीडिया आप एक तो सिर्फ यूज़ करते हो, आप चीज़ें देख रहे होते हो, लेकिन दूसरी चीज़ ये कि आप अपने कोई स्किल को इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पे आप ऐसा ऑडियंस जमा करते हो जिसकी वजह से कल को आपको उस चीज़ में फ़ायदा होता है और आप उससे फाइनेंशियली आप लोग मतलब पैसे उससे आपको आते हैं। तो हम उनको बेसिकली ये सिखाते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके अंदर एक ऐसा कोई स्किल है, चाहे वो खाना बनाने का हो, चाहे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी आवाज़ अच्छी है लेकिन आप अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, तो हम उनको ऐसे कॉन्टेंट क्रिएशन बनाने के तरीके सिखाते हैं जिनमें उसकी वैल्यूज़ भी आती हैं और वैल्यूज़ को देखते हुए वो कंटेंट किस तरह से क्रिएट करते हैं वो हम उसको उन सबको सिखा रहे होते हैं। उसके अलावा हम उनको जिनको ये होता है कि हमारे अंदर कोई स्किल नहीं है, उनको हम शुरू में ये हेल्प करते हैं कि वो फाइंड आउट कर सके कि उनके अंदर एक ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको लेके वो उसके ऊपर काम कर सकते हैं। सेकेंडली वो लोग जो ये समझते हैं कि अच्छा मैंने सोशल मीडिया एक महीने यूज़ किया तो मेरे पैसे नहीं आ रहे, ऐसा नहीं होता। आपको एक मुसलसल उस चीज़ पे काम करना होता है। इवन हमारे पास जितने भी मशहूर बिज़नेस जो हमारे पास है, बिज़नेस मैन है, बिज़नेस वूमेन है, उनके हम एग्जांपल लें तो उनको एक मकाम में पहुंचने तक उनको 10 साल लगे हैं। तो अगर सोशल मीडिया पे आप अच्छा काम करोगे आपको 1-2 साल दो लगेंगे कम अज़ कम। तो हमारी ट्रेनिंग भी बेसिकली एक लंबे अरसे तक है। हम इन पार्टिसिपेंट्स को लेते हैं, इनको देखते हैं और सर्कल की टीम इनको बार बार देख रही होती है कि वो किस तरह का काम कर रहा है और कहाँ कहाँ ये लोग मज़ीद बेहतर हो सकते हैं। तो हमारी ट्रेनिंग बेसिकली इस चीज़ के ऊपर काम कर रही है कि लड़कियाँ अपने कंटेंट क्रिएशन, अपने स्किल के ऊपर काम करके सोशल मीडिया को फजूल इस्तेमाल किए बजाय वो अपने लिए उसको एक अच्छे से इस्तेमाल करके उससे अर्निंग करें अपने लिए। जब हम अपने नीच के ऊपर आते हैं तो हम अपना पहले इंटरेस्ट देखते हैं, जाहिर सी बात है अपने नॉर्म्स को वगैरह को हम मद्देनज़र रखते हैं, लेकिन बहुत कंटेंट है हमारे इर्द गिर्द ही, हम घर में काम कर रहे होते हैं, बेशक हम अपने फेस को रिवील ना करें लेकिन हम अपनी वॉइस को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने कैमरा से जो भी हमारे पास अवेलेबल होता है उससे हम शूट कर सकते हैं, अच्छी एक वीडियो बना सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। हम घर में काम कर रहे हैं, अगर मैं कुछ बेक कर रही हूँ, बना रही हूँ तो मैं उसकी हल्की फुल्की क्लिप्स डाल के मैं बना सकती हूँ। मैं कहीं जा रही हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं शॉर्ट्स को, छोटी छोटी क्लिप्स को मैं ऐड कर सकती हूँ और इस तरह का कंटेंट मैं क्रिएट कर सकती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं उसमें गाऊँ, नाचूँ या फिर मैं उसमें अपना फेस रिवील करूँ, मॉडलिंग करूँ या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं नहीं करूँ तो भी मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है। वो शायद हमारी अपनी क्रिएशन है, वो हमारी शायद अपनी क्रिएटिविटी है कि हम अपने माहौल को किस तरीके से देखते हैं और उसमें हम क्या चीज़ को यूनिक बना के हम उसको क्या किस चीज़ को हम आगे लेके आ सकते हैं। तो शायद ये, और हम जीबी में तो स्पेशली टूरिज़म का, और आपको पता है कि नेचुरल ब्यूटी कितनी ज़्यादा है, तो इसी को हम यूज़ कर सकते हैं, इसी को हम अपना कंटेंट बना सकते हैं। डिफरेंट फूड्स यहाँ पर है, हमारे जो खाना है हमारा वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत मशहूर है, और जो हमारी यहाँ के जो स्पेशल ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंटेंट हमारे पास है अगर हम इसको सही वे में यूज़ करें तो। रिसेंटली हमने फॉर लास्ट 4 मंथ पहले एक इनिशिएटिव लिया था नैनो इन्फ्लुएंसर के नाम से। ये प्रोग्राम हमने नवंबर में स्कर्दू में रन की एंड देन इन गिलगित। बेसिक हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि जितने भी यंग फीमेल सोशल मीडिया यूज़र्स हैं उनको हम 4 डेज़ की ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग से गो थ्रू करते हैं, जिसका मकसद ये है कि वो अपनी डिजिटल सिक्योरिटी को समझे, वो सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं और उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करके वो अर्निंग किस तरह कर सकते हैं और अपनी डिजिटल सिक्योरिटीज़ को और अपनी कंटेंट किस तरह अपलोड कर सकते हैं और उससे फ़ायदा किस तरह उठा सकते हैं। इसके बाद हमारा मकसद ये है कि जितने भी लो इनकम वुमेंस हैं जो ऑन ग्राउंड बिजनेसेस करते हैं बट दे डोंट नो अबाउट डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन सेलिंग, तो हम ये 2 जनरेशन्स को हम ट्रेन कर रहे हैं, एक यंग फीमेल्स को, एक ऑलरेडी जो बिजनेसेस कर रहे हैं फीमेल्स इन हाउस कर रहे हैं, शॉप्स में कर रहे हैं बट उनको डिजिटल मीडिया का नहीं पता, उनको हम कंबाइन ब्रिजिंग कर रहे हैं, इनको हम ट्रेन कर रहे हैं कि ये लोकल बिजनेसेस की बिजनेसेस को अपलिफ्ट करें। एंड दिस प्रोग्राम इज़ स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर यंग फीमेल एंटरप्रेन्योर्स जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं बट विदाउट एनी रीज़न, जिनको नहीं पता कि उनकी नीश क्या है, उनकी इंटरेस्ट क्या है, किस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है और किस ऑडियंस को टारगेट करना है। थैंक यू।